तो दोस्तों कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सेना के एक हवलदार पर सेना का अनुशासन तोड़ने के आरोप में गलत सजा दी गई और उसका प्रमोशन भी रोका गया। लेकिन सेना के हवलदार साहब ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और अपने अधिकार के लिए आगे अपनी लड़ाई लड़ने की सोची और अंत में यह फैसला आया कि उनको बैक डेट से प्रमोशन भी दिया जाएगा, उनके सारे बैलेंस पे ऑन अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अगर ये फैसला सही समय पर नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और इसकी ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से ऐसी घटना बनी और एक सैनिक को दूसरे सेना के अधिकारी के खिलाफ कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, इसकी अगर आप वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल मामला यह था कि जब हवलदार विजय कुमार वर्ष 2016 में 411 फील्ड हॉस्पिटल में तैनात था तब उसे सेना का अनुशासन तोड़ने के आरोप में गलत सजा सुनाई गई, जिसके खिलाफ उसने 23 अक्टूबर 2017 को जीओसी हेडक्वार्टर को अपील की, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। तब उसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसमें कोर्ट ने निर्देशित किया कि अपील पर निर्णय लिया जाए, फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब सेना इतनी सॉफ्ट तो है नहीं कि जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले। तब उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरू की। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर के निर्णय को 6 सितंबर 2018 को जीओसी हेडक्वार्टर ने गलत मानते हुए खारिज कर दिया। बताते चले कि इस बीच वादी का प्रमोशन आ गया था, यानी कि विजय कुमार का प्रमोशन आ गया था, जिसे यह कहकर नकार दिया गया कि वह सजा याचता है इसलिए उसे प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। सजा समाप्त होने के बावजूद प्रमोशन ऑर्डर को सेना द्वारा दबाए रखा गया। सेना के उच्च अधिकारियों से पत्राचार के बाद 404 फील्ड हॉस्पिटल कमांडिंग ऑफिसर ने 6 फरवरी 2019 को प्रमोशन दिया और उसे MACP हवलदार दिया, जबकि उसे सबस्टेंटिव हवलदार का पद 18 मार्च 2018 से दिया जाना चाहिए था। इस विलंब के पीछे कारण यह था कि वादी का लाकर तुड़वाकर सामान चोरी करवा दिया गया था, जिसका आरोप कमांडिंग ऑफिसर पर था और वह किसी भी कीमत पर प्रमोशन देने को तैयार नहीं था। वादी ने अपने साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ वर्ष 2019 में अधिवक्ता विजय कुमार पांडे के माध्यम से सेना कोर्ट में वाद दायर किया और मांग की कि उसे 6 सितंबर 2018 से हवलदार के पद पर मानते हुए 18 मार्च 2018 से सीनियरिटी दी जाए। वादी के अधिवक्ता विजय कुमार पांडे ने वादी का जोरदार पक्ष रखते हुए कहा कि गलत तरीके से दी गई सजा जब समाप्त हो गई तो वादी के प्रमोशन का अधिकार उसी दिन से बनता है जिस दिन प्रमोशन आया था। प्रमोशन देने में यदि कोई विलंब हुआ है तो इसके लिए सेना जिम्मेदार है, न कि वादी। विजय कुमार पांडे ने कहा कि गलत सजा देकर वादी के मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। का आदेश निरस्त होने का आशय यही होता है कि व्यक्ति अपनी पूर्व स्थिति में आ गया और उसे सभी अधिकार उसी दिन से मिलने चाहिए, लेकिन वादी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। अभी इस पूरे केस पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया यह बहुत समझने लायक है। गलत सजा की स्वीकृति के बाद सैलरी व भत्ते का एरियर प्रमोशन की तारीख से दिए जाने के मामले में विपक्षी के जबरदस्त विरोध को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति उमेश चंद्र श्रीवास्तव और वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कारवे की खंडपीठ ने 18 मार्च 2018 से वादी को हवलदार का प्रमोशन देते हुए सैलरी और अलाउंसेस का एरियर 4 महीने के अंदर दिए जाने का आदेश दिया और आगे यह भी कहा कि यदि सरकार नियत समय में आदेश का पालन नहीं करती तो उसे वादी को 8% ब्याज के साथ पूरा बकाया चुकाना होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। ये हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि जहां भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमने बहादुरी से आवाज़ उठानी चाहिए, आपकी हमेशा जीत होगी।
ये चाहे सेना का मामला हो चाहे सिविल का मामला हो, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपने होदे को किसी का भला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी बीच में ऐसे भी हैं जो अपने होदे का गलत फायदा उठाकर किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी के लिए ये एक सबक है। आप इन वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। सैनिक मंत्र परिवार में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।